वैसे बेसिकली 2009 में आया मथुरा, तो उसके पहले मैं दुबई में था। ओके। तो उन्होंने उस घर के बाहर लिख के डाला हुआ था कि हमें एक लड़के की जरूरत है जॉब के लिए। तो सच बताऊं मेरे ना अंदर से बिल्कुल मतलब कि टूट गया, और मैंने सोचा कि यार ये तो मेरे को उन्होंने ऑफिस बॉय रखा। तो मैंने ना ऐसे पीछे मुड़ के देखा, और मेरे को पता था मेरे पीछे कोई नहीं बैठा, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे मुड़ के देखा। तो जब वो ना बंदे ने दूसरी बार आवाज लगाई कि हेलो तुम ही कौन बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो एंड वेलकम टू agentsrecruitment.com's पॉडकास्ट। जी हाँ, कई बार पॉडकास्ट भी हम करते हैं, और स्पेशली ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। जी हाँ, जिन्होंने कुछ काफी अच्छी चीजें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अचीव की है, और उनकी सक्सेस स्टोरी आप तक लेके आने के लिए इस पॉडकास्ट सीरीज को हमने शुरू किया है। तो आज हमने ऐसी ही एक शख्सियत को इनवाइट किया है जिनका नाम है मिस्टर हरिंदर हीरा। ये एक इंश्योरेंस कंपनी में एज अ सीनियर टेरिटरी मैनेजर काम करते हैं, और मे मंथ में इन्होंने स्टेट टॉप किया था इन रिक्रूटमेंट। अमेजिंग, राइट? सो आज उन्हीं के साथ बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अचीवमेंट किया और उस अचीवमेंट के पीछे उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही। सो हरिंदर हीरा जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ agentsrecruitment.com। आज स्पेशली आपको इस हमने इनवाइट किया है बिकॉज आई नो आपके जो अचीवमेंट्स है, आपने जो इंश्योरेंस में किया है, दैट इज यू वेयर टॉपिंग इन रिक्रूटमेंट इन मे मंथ, राइट? So, ये अचीवमेंट आपने किस तरह से किया उसके बारे में वी वांटेड टू टॉक, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट इट वुड बी अ ब्यूटीफुल वे टू ब्रिंग यू ऑन द पॉडकास्ट, एंड इफ यू कैन योरसेल्फ शेयर योर एक्सपीरियंस कि ये सारी चीजें किस तरह से की आपने, कैसे टॉप किया आपने अपनी कंपनी में, एंड व्हाट ऑल चैलेंजेस यू फेस्ड और व्हाटएवर, क्या स्ट्रेटेजी अपनाया आपने जिसकी वजह से आप टॉप पे रहे थे। वी वांटेड टू लिसन एवरीथिंग। अपना ऑडियंस जो है सारे लोग इंश्योरेंस वाले ही है, अपने परिवार वाले ही है सभी लोग यूट्यूब के, तो फील इट लाइक यू आर टॉकिंग टू योर फैमिली मेंबर्स बिकॉज सभी लोग इंश्योरेंस वाले हैं अपने। सो वी वांट टू अंडरस्टैंड के व्हाट ऑल बिहाइंड द सीन क्या मेहनत हुई वगैरह वगैरह, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट, एंड प्लीज टेल अस हाउ डिड यू स्टार्ट इट। स्टार्ट करने से पहले व्हाट आई वुड लव यू टू डू इज इंश्योरेंस में कैसे आप, वहां से शुरुआत कीजिए। सो दैट वुड बी ग्रेट टू लिसन योर स्टोरी एज वेल। थैंक यू रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को इस लाइक समझा और आप मेरे को ये प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और इंश्योरेंस में सर मेरा मैं बेसिकली 2009 में आया इंश्योरेंस, तो उसके पहले मैं दुबई में था। दुबई से पहले जब मैंने जैसा मैं ग्रेजुएशन करनी मैंने स्टार्ट की ना, तो उस टाइम क्या था कि मेरे को शुरू से ही पैसे कमाने की मतलब कि इस समय लोग इच्छा थी कि पैसे होने चाहिए, और पैसे जो होने चाहिए ना वो ऐसा नहीं कि मैं किसी ऑफिस में बैठा हूँ तो मेरे को पैसे हैं, हाँ घूम फिर के पैसे मिलने चाहिए। तो ऐसा ही जब मैं ऐसा सोच रहा था तो मेरे किसी दोस्त ने ना एमवे ज्वाइन कर लिया, एमवे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने, तो उसने मेरे को प्लान दिखाया। जब उसने प्लान मेरे साथ शेयर किया तो मेरे को लगा ऐसे कि यार ये तो वही चीज है जो मेरे को चाहिए कि साथ साथ मैं पढ़ाई करूं और साथ साथ मैं पैसे कमाऊं और अपनी फीस वगैरह मैं खुद ही पे करूं, मेरे फैमिली को ना देनी पड़े। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो सर एमबे वाले बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एमबे में मैंने ना बहुत कुछ सीखा। पहले तो वो सोच बड़ी कर देती है, माइंड को पूरा खोल देते हैं। तो उनकी ना हर थर्सडे मीटिंग रहती थी, तो मैं वो मीटिंग बिल्कुल भी छोड़ता नहीं था। और मैंने 3 साल एमबे में काम किया, और सच बताऊं आपको आप जान के हैरान हो जाओगे कि मैंने एमबे से 1 रुपया नहीं कमाया। लेकिन आज मैं जो भी हूँ वो एमबे की वजह से, क्योंकि उन्होंने सिखाया बहुत। तो उन्होंने माइंड सपने बड़े कर दिए, खोल दिया माइंड, खोल दिया कि यार कुछ मतलब कि जरूरी जॉब ये भी मतलब हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई कैरियर को लेके। तो फिर उसके बाद मैं शादी हो गई तो मेरे ना फादर साहब, मैंने ग्रेजुएशन भी करी तो मेरी शादी हो गई, तो मेरे फादर साहब जैसे सिटी में गए ना, तो उस टाइम ना एक बैंक लीडिंग बैंक है अभी वो इंडिया का, तो वो बैंक ना अभी मतलब हमारी सिटी में नया नया अभी बैंक बन रहा था, तो उन्होंने ऑपरेशन ना किसके घर से स्टार्ट किया। ओके। तो उन्होंने
उस घर के बाहर लिख के डाला हुआ था कि हमें एक लड़के की जरूरत है जॉब के लिए। तो मेरे फादर साहब ने वो पढ़ा और शाम को घर आए, मेरे को बताया कि सुबह हमें जो ना यहाँ रेडी रहना, तो मैं सुबह रेडी हो गया। तो मेरे को वहां पे ले गए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी से सुनने वाली है और मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ वहां पे। तो वहां पे हम जब गए ना, तो उन्होंने ऐसे घर में ना टेबल लगाए थे, तीन चार टेबल थे। तो मेरे को स्टार्टिंग में उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है और आप कितनी दूर से आते हो और आपकी क्वालिफिकेशन है। तो मैंने उनको बताया कि मेरी मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं 15 किलोमीटर दूर से आता, बस इतना ही पूछा। और उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी जॉब लग। उसका बताऊं सर, मैं इतना खुश हो गया कि यार लोग सोचते हैं कि जॉब मिलती नहीं है। Right. तो मेरे को तो जॉब बड़ी इजी तरीके से मिल गई मेरे को। Correct. तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, वो टेबल पे जाके बैठ जाओ। तो मैं वो टेबल पे जाके बैठ गया, जैसे ये टेबल लगा हुआ था मैं जाके बैठ गया। तो वहां पे कोई कुछ काम नहीं है, ऐसे टेबल खाली पड़ा है और मैं इधर उधर देख रहा हूँ। तो जो है ये तो मतलब कोई काम भी नहीं है, बस आके बैठना ही है। ठीक है, एक डेढ़ घंटे के बाद ना सर क्लाइंट आ गया। क्लाइंट आ गया तो उन्होंने ना मेरे को आवाज लगाई कि हेलो पानी लेके आओ। अच्छा, तो बताऊं मेरे ना अंदर से मैं बिल्कुल मतलब कि टूट गया। और मैंने सोचा कि यार ये तो मेरे को उन्होंने ऑफिस बॉय रखा है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। तो मैंने ना एक बार ऐसा किया कि मैंने ऐसे ही अपने मन को समझाने के लिए मैंने सोचा कि शायद ना किसी और को आवाज लगाई होगी। तो मैंने ना ऐसे पीछे मुड़ के देखा और मेरे को पता था मेरे पीछे कोई नहीं बैठा, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे मुड़ के देखा। तो जब ना बंदे ने दूसरी बार आवाज लगाई कि हेलो तुम ही कोई बोल रहे हैं, आप कोई बोल रहे हैं, तो मैं उठ के गया, पानी पिलाया और मैं उनके घर से बाहर निकल अपनी वाइफ को फोन कर। मोबाइल पे नहीं उठ पाए तो मैं एसटीडी बूथ पे जाकर फोन किया कि यार यहाँ पे तो ऑफिस बॉय का काम है, फिर मैं ये काम भी कर सकता। मैं आज इनका दिन पूरा लगा के आऊंगा लेकिन मैं कल से नहीं आने वाला। तो उन्होंने कहा जैसे आपको ठीक लगे, मेरी वाइफ ने बोला कि जैसे आपको ठीक लगे और वैसा कर लो। तो सर मैं शाम को घर आ गया और मैं वापस दोबारा उस काम पे मिल गया। और सर आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत प्राउडली बताता हूँ सब लोगों को कि जो इंडिया के टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनी, टॉप 5 जो बैंक है ना, उनमें मेरे सिखाए हुए बंदे 14 बंदे सर वहाँ पे अच्छे लेवल पे काम। Fantastic. So, बाद में आपने वो जॉब कंटिन्यू किया था या फिर नहीं किया था, आपने छोड़ दिया था और बाद में फिर वापस बैंकिंग में जॉइन किया था आपने? नहीं मैं छोड़ मैंने वो जॉब छोड़ दिया था। उसके बाद सर मैं दुबई चला गया। अच्छा। दुबई चला गया था, मेरे फादर साहब पहले दुबई से थे तो उन्होंने सर मेरे को वहां पे बुला लिया, दुबई चला गया। राइट। फिर आने के बाद फिर आपने बैंकिंग ज्वाइन किया यहाँ पर? नहीं, मैं इंश्योरेंस सर आने के बाद ना दो हजार पांच में चला गया बाहर। तो 2008 में जैसे आपको पता है रिसेशन आया था उस टाइम, तो बहुत सारी कंपनियों का बुरा हाल हो गया, तो बिजनेस में सबने मार खा ली। तो उस टाइम ना मेरा वीजा एक्सपायर हो गया था। अच्छा। जैसे 3 साल का वीजा रहता है, तो जिसका भी वीजा एक्सपायर हो गया ना, तो उनको फिर कंपनी ने जवाब दे दिया कि आपको अभी मतलब के डिसकंटिन्यू करते हैं, आपको जाना पड़ेगा। अच्छा। उसमें मेरा नंबर भी लग गया। तो वैसे दिल से मैं खुश था कि यार मैंने इंडिया में जाके रहना, मैं ये जॉब नहीं कर सकता कि 2 साल इधर रहो, 2 महीने इंडिया में रहो, मैं ये जॉब नहीं कर सकता, मैंने अंदर से मैं खुश था। सही है। तो इंडिया में आया तो वैसे ये जितने भी यार दोस्त थे फ्रेंड सर्कल में, तो उनको बोला मैंने कि यार जॉब करनी है कुछ बताओ क्या करना चाहिए। तो मेरा ही एक क्लास फेलो था जो इंश्योरेंस में था उस टाइम, तो स्कूल टाइम में वो मेरा अच्छा फ्रेंड था। Correct. तो मेरे एक जो एक बीच का दोस्त था, उसने बोला कि यार उसको बंदे चाहिए, आप ऐसा करो वे आप उससे बात कर लो, ये शायद आपकी अच्छी जॉब लग जाए। तो वो बंदा ना, उसको भी पता चला कि हरिंदर फ्री है और जॉब ढूंढ रहा है और हम इंश्योरेंस वालों को तो बंदा चाहिए। राइट। तो उसने क्या किया, वो सीधा मेरे घर आ गया। घर आ गया तो
उसने उसका नाम अरविंद है, अभी भी मेरे साथ ही जॉब करता है, मेरा सीनियर ही है अभी। तो मेरे घर आ गया तो उसने मेरे को ना वो सब कुछ समझा समझो कि मेरे डॉक्यूमेंट ले लिए, कलेक्ट कर लिए जो जो उसकी जो जॉब ही थी, तो उसने कलेक्ट कर लिया। तो सर उसके बाद क्या हुआ, तो उसने प्रोसेस कर दिया IRDA एग्जाम। तो क्या हुआ, अच्छा, तो पहले एजेंट की तरह शुरू किया आपने? हाँ, एजेंट की तरह शुरू किया। ओके, तो उसने प्रोसेस कर दिया। तो अब मेरे को ना वो फोन कर रहा है और मेरे को क्लास लगाने के लिए बोल रहा है। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको उन्होंने क्या बोल के कन्विंस किया कि आप एजेंट की तरह पे काम करने के लिए शुरू हो गए, मतलब एग्री हो गए? उसने सर बस मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखाई। अच्छा। जो भी रहती है अपॉर्चुनिटी की, हाँ ऐसे ऐसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक प्रोग्राम है इसमें कंपनी में, तो वो फिर हमको प्रमोट कर देते, फिर मेरे जैसे आपको सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। करेक्ट। मैंने सर 15,000, लेकिन बहुत था उस टाइम, मेरे को अच्छा लगता। मैंने कहा यार ये 15,000 की सैलरी लग गई ना, अब तो पूरी जिंदगी यहाँ पे गुजार। उसमें 15,000 ऐसा लग रहा था। तो उसके बाद सर क्या हुआ कि उस बंदे ने मेरे को फोन करने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रहा था। इसलिए यार मेरे को इससे अंडर नहीं लगना, क्योंकि ये मेरा क्लासमेट है, मेरे इससे अंडर नहीं लगना। मतलब मेरे को सीधा डायरेक्ट ना वो मैनेजर ही बनना। तो उसको पता चल गया कि यार मेरे को इग्नोर कर रहा है ये बंदा। तो उसके ना उसने फिर ब्रह्मास्त्र क्या चलाया, उसने अपने बॉस से फोन कराना स्टार्ट कर दिया। बराबर। तो मेरे को लगा यार ये कोई अच्छा बंदा फोन कर रहा है, इसकी बात सुन लेनी चाहिए एक बार। तो सर मैं गया ऑफिस उनकी बात सुनने के लिए। तो बात तो फिर उन्होंने जो सुनाई, फिर हम ज्वाइन कर गए एज एडवाइजर। तो लेकिन 6-7 महीने मैंने काम किया, उसके बाद मेरे कंपनी ने प्रमोट कर दिया था, फिर मैं वहाँ पे जनरेटर मैनेजर बना। जो मेरी मेरी इच्छा थी मैंने जॉब करनी, तो वो मेरे को जॉब मिली। तो आज आपके सामने बैठा हूँ। ग्रेट, फैंटास्टिक। So then you जो आपका जो profile change हुआ, then you started recruiting people for your team, right? आपके team के लिए लोग आपने recruit करना शुरू कर दिया। तो वो आपका face कैसा था जब आपने खुद ने recruitment शुरू किया? You know how, पहले तो मुझे जानना है कि आपका खुद का recruitment style क्या है, आप कैसे आप profile कैसे select करते हो, और ज्यादातर कौन से type के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हो? सर जब मैंने ना स्टार्ट किया एज ए मैनेजर, तो नो डाउट पहला एक साल जो है ना मेरा बहुत दिक्कतों वाला ही रहा। मेरे को ना मतलब कि मेरे को ये ऐसे बंदे नहीं मिल रहे थे। मैंने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन आपको पता ही है वो जो जो फेस रहता है ना पहला, तो वो मेरे साथ ना बहुत दिक्कत रही पहले साल में। क्लास भी मेरी पूरी लगती थी, लेकिन वो क्लास लगा के ना, मतलब क्लास जब मेरे बॉस मेरे को क्लास मेरी लगाता था, तो उस क्लास से ना मैं पॉलिश हो गया। राइट। तो उस पॉलिश के बाद वो पहला साल तो मेरा बुरा रहा, लेकिन उसके बाद अगला साल जो मेरा स्टार्ट हुआ ना सर, बस वो रिक्रूटमेंट मेरे को समझ में लगा कि यार ये जॉब चलाने के लिए ना सिर्फ एक ही हथियार है रिक्रूटमेंट। नया बंदा सिस्टम में ले आओ, नया बंदा सिस्टम में ले और काम करो। वहां से मेरे को पता चला। ग्रेट। सो कौन से टाइप के प्रोफाइल ढूंढना शुरू किया आपने, मतलब पहले फैमिली रिलेटिव्स में ही आपने बात करना शुरू किया या सीधा थर्ड मार्केट में गए, क्या किया पहले? नहीं, स्टार्टिंग में तो फैमिली से ही सब शुरू किया, कोई रेफरेंस वगैरह मिल जाता था सर, जहाँ से मैं स्कूल में ज्यादा जाता रहता था, तो जो भी बंदा कॉलेज में जाता था मेरे अच्छे मतलब लिंक थे प्रोफेसर वगैरह लोगों के साथ, तो उनसे ले लेता था कोई डाटा मेरे को दे दो जो बंदे ने जॉब करनी है, तो मतलब कि फिर मैं ऐसे ऐसे रिक्रूटमेंट करता रहा उस टाइम। लेकिन वो भी इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम, 2009 की बात कर रहा हूँ, 2010 की बात कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे सर चैंपियन एक दिन में नहीं बनता, तो फिर वही बात थोड़ी सी रही। तो अभी 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 जो मेरा जो स्टाइल है ना वो सर क्या है, आपने पूछा ना ये भी सवाल पूछा ना मेरे, अभी क्या स्टाइल है आप कैसे करते? अभी सर जो मेरा साइन है ना वो रिक्रूटमेंट करने का, वो ये है कि मैं ना पहले तो मेरे को हर एक बंदे मेरा एजेंट दिखे, हर एक बंदे एजेंट हो सकता है, ये मेरा टीम मेंबर बन सकता है, ये मेरा टीम मेंबर बन सकता है। अब मेरे को चाहिए थोड़े से अच्छे बंदे,
साइक्लिस्ट सॉन्ग जिसका थोड़ा मार्केट में अच्छा नाम भी हो, वो बंदे का ही तो वो बंदे तो मैं लेके आता हूँ ना सिस्टम में, तो मैं उनको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता। ओके मैं उनके पास जाता हूँ, पहले उनको एज ए नॉमिनेटर में यूज करता हूँ, नॉमिनेटर बना के ना, नॉमिनेटर बना के तो पहले मैं ना उनसे वो नेम कलेक्शन करता हूँ, उनको थोड़े दो चार सेगमेंट बता के उनसे पहले नेम कलेक्ट कर देता हूँ कि ताकि ये अगर ये बंदा मेरे को नो बोलेगा ना तो कम से कम मेरे पास चार पांच बंदे के नाम आ जाएंगे तो मैं उनको अप्रोच कर लूँ। ठीक है, तो जैसे ही वो मेरे को चार पांच नाम दे देता है उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको बोलता हूँ कि सर ये बात आपने अपने लिए नहीं सोची, जैसे अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ कि ये जो बंदों का नाम आप दे रहे हो ना मेरे को, इनको ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, ऐसे पैसे ऐसे। तो जब सुनाने के बाद मैं पूछता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आपने अपने लिए क्यों नहीं सोची, फिर मैं इनडायरेक्टली सर अप्रोच करके ना फिर मैं उसी बंदे को रिक्रूट करता हूँ, और 90% मेरे चांस होते हैं कि फिर बंदा वही मेरे पास आ जाता है और मैं बहुत काम शुरू करता हूँ। करेक्ट। तो आप जो आपको ऐसा क्या लगता है कि जैसे आपके मैनेजर ने आप जो हथकंडा अपनाया दैट इज उनके बॉस से फोन कराया जिससे आप कहीं ना कहीं कन्विंस हो गए, सो अब आपका ऐसा क्या वो ब्रह्मास्त्र है जो आप चलाते हो जिससे लोग ओके बोल देते हैं कि हाँ सर मुझे आपकी टीम में काम करना है। सर इस बात का ना मैं दो तीन दिन से थोड़ा सर्वे भी कर रहा था, जो मेरे टीम मेंबर है ना मैं उनसे पूछ ही रहा था कि आपने मेरे को क्यों ज्वाइन किया, तो सर उन्होंने ना मेरे को प्राउड फील हो रहा है ऐसे ये बताने के लिए, शायद मेरे को पता भी नहीं है कि मैं ऐसा हूँ जो मेरे को उन्होंने बताया। मेरे को उन्होंने बताया कि सर आपका ना जो नेचर है बहुत फ्लेक्सीबल है, जब आप हमारे घर में आए या फिर हमारे ऑफिस में आए पहली बार ना तो हमें ऐसा लगा ही नहीं था कि ये कोई बंदा अननोन बंदा है। आप ऐसी आपने बात की था हमसे, हमारे साथ स्टार्ट की थी, हमें लगा ये अननोन बंदा है, ये हमें लगा कि यार हमारा नोन है। और जिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को हम सोचते थे कि यार ट्रस्ट इंडस्ट्री है, ऐसा मेरे उन लोगों ने बोला, मैंने उनका फीडबैक है कि जो हम सोचते थे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतनी टफ है, आपने इतने इजी तरीके से हमें वो समझा दिया और हमें लगा कि यार ये तो मुश्किल है ही नहीं काम, ये तो किया जा सकता है। तो ये मेरी अप्रोच कर रहती थी और मेरे ये फीडबैक है ये मेरे लिए मेरे एडवाइजर का। एब्सोल्युटली, यानी जो काम जिस तरह से आप समझाते हो, क्योंकि ज्यादातर आपको बताऊं हरिंदर जी, मैंने ये देखा हुआ है आफ्टर टॉकिंग टू सो मेनी एजेंट्स एंड लीडर्स मैनेजर्स, बहुत लोगों को है ना अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स को इंश्योरेंस इंडस्ट्री का काम क्या है और उसको किस तरह से आसानी से आप कर सकते हो ये समझाना ही डिफिकल्ट लगता है ना। तो आप क्योंकि मैं जब मैं मैनेजर था, मैं रिक्रूटमेंट कर रहा था अपनी टीम में, तो कहीं ना कहीं जब तक मैं कंपनी का स्क्रिप्ट यूज कर रहा था ना मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, है ना, कि आप प्रेजेंटेशन दिखाओ इसी तरह से बात करो वगैरह वगैरह, पूरा स्क्रिप्ट दे दिया था हमें तो। लेकिन जब मैंने वो सब छोड़ के अपना दिमाग लगाया एंड एक ह्यूमन कनेक्शन जो बोलते हैं ना वो बनाना शुरू किया, जब मैंने उनको समझाया कि भाई ये काम एकदम सिंपल है, आपको ये करना है दिन में और इतना पैसा कमाना है तो इतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जब ये मेजर करके बताया ना उनको तो काम उनको इजी लगने लगा और उनको लगा कि यार इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ऐसे ही मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा टफ है, इसमें उल्टा काफी आसानी से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है ना, तो अगर ये सर बोल रहे हैं उसी तरह से हम काम करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। सो ग्रेट, फैंटास्टिक। टू आपने जो आपका मे मंथ का जो आपका अचीवमेंट किया था, यू आर टॉपिंग योर स्टेट राइट or country? Yes. State. You are stopping your state in recruitment in May month, है ना? So, उसके लिए specifically क्या effort डाले आपने? किस तरह से लोगों को चुना और क्या, what was the pain behind that achievement? We want to know that. ये आपने specially plan करके ये आपने achieve किया था या आप regular मेहनत कर रहे थे, it just happened and you achieved it? नहीं सर, वैसे ये मेरी मेहनत जो है ना वो रेगुलर चलती ही रहती है, मैं ये छोड़ता नहीं हूँ कभी भी, बहुत दिन महीने में ज्यादा दिन ऐसे रहते हैं कि बिजनेस नहीं आएगा कभी,
ऐसा ये तो फैक्ट ही है ना इंश्योरेंस का, डेली बिजनेस नहीं आएगी। लेकिन जब मेरे को हर मैनेजर को ये पता चल जाता है कि अगला महीना मेरा पैसा जाने वाला है, जो उसकी कॉस्ट वगैरह हो जाती है उसको पता होता है कि अगला महीना कैसा जाने वाला है। तो मेरे को ये दिख रहा था कि यार अगले जो महीने हैं वो मेरे इधर नहीं आने वाले, तो मेरे को ऐसा है जो मेरा प्रोसेस है थोड़ा सा उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करना स्टार्ट करूं। तो मैंने बहुत बहुत जगह से, जैसे मैं आपका चैनल भी देखता हूँ, तो फिर वहां से मेरे को कुछ आइडिया था कि किस चीज को अप्रोच किया जा सकता है नए तरीके से। तो मैंने फिर वो बहुत सारी ऐसी वीडियो वगैरह देखी, आप भी देखी गई और भी देखी, किसी और की भी देखी है। तो अभी ना एक वीडियो में बोला था कि आप जिम ट्रेनर को भी अप्रोच कर सकते हैं। मेरे को याद नहीं है स्पेसिफिक तो कौन सी वीडियो थी, तो एक ना मैं कहीं से गुजर रहा था तो उस ना शॉप के बाहर वो न्यूट्रिशन कुछ ट्रेंड करता था, न्यूट्रिशन का कुछ ट्रेनर था वो बंदा। तो उस बंदे मैं ना अंदर चला गया, तो मैंने उसको अपना कार्ड दिया, तो मैंने कहा सर मैं इंश्योरेंस हूँ, मैं आपसे आपके 10 मिनट चाहिए, तो मैं आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ। Right. तो उस बंदे ने मेरे को ना सीधा बोला कि यार ये काम नहीं मैं कर सकता, फिर मैंने किया था ये काम मेरे से होता नहीं। मैंने कहा ठीक है सर आप मेरे को 10 मिनट दो, कुछ नया है इंश्योरेंस में चेंज हो गया है, तो आप अच्छा अच्छा लगे तो ठीक है कर लेंगे, नहीं तो नहीं। सही है। तो उस बंद तो उस जो आप बोले ना फोटो दाढ़ी वाला बंदा पकड़ा था बंदा उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है आप बता दो, मैंने उसको बताना स्टार्ट किया। और सर मैंने एक बार आपकी वीडियो में पहले ही बोला था कि मेरी 80% जो ना रिक्रूटमेंट मतलब मैं क्लोजिंग कर लेता हूँ, 10 बंदों को मिलूंगा 8 बंदे मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने उस बंदे को समझाया, और मैं 15 या 20 मिनट में उससे मैंने 1 लाख का चेक भी ले लिया। क्या बात है। और उसको अपनी टीम पे ज्वाइन भी करवा लिया। वेरी नाइस फैंटास्टिक। तो वहां से स्टार्ट हुआ। और जो बंदा मेरे को बोल रहा था ना कि इंश्योरेंस नहीं होता, सर उस बंदे ने 2 महीने में मेरे साथ 8.5 लाख का काम। Fantastic. So, आपके साथ और भी दूसरे एजेंट्स के भी मेरे ख्याल से आपने पिक्चर्स शेयर किए थे, that is, उन लोगों को भी अवार्ड मिला। If you can tell more about that. सर ये जिसकी बात मैं कर रहा था ये इसका नाम जो है ना ये हरप्रीत सिंह है जिसकी मैंने बात की अभी। और दूसरा आप देखोगे एक सरदार जी है वो भी ट्रॉफी ले रहे हैं। राइट सर उनका नाम है वो बेसिकली वो सरपंच है पिंड के। अच्छा ओके। तो हाँ वो सरपंच है तो उनको मैंने ऐसे ही अप्रोच किया था जैसे मैंने कहा ना कि मैं एज ए नॉमिनेटर उनको यूज करने के लिए गया। तो उनकी नई नई शादी हुई थी बेटा हुआ था तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया मेरे साथ कि यार इनकम आ रही है तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सर उसकी अगले महीने उसका एक मामा जी उनके बाहर से आए हुए। अच्छा। तो मामा जब मामा जी आए हुए थे उन्होंने मेरे को बोला 8 बजे आप 8:30 बजे आ जाओ मामा जी घर आए हैं तो आप एक बार आके पॉलिसी समझा। सर मैं 8:30 बजे घर गया और पहली पॉलिसी उसकी 3 लाख की थी। क्या बात है। वेरी नाइस ग्रेट। तो उनको भी रिक्रूट किया या उनके पास से सिर्फ फिर बिजनेस मिला मामा जी के पास से? उसको रिक्रूट किया ना नहीं मामा जी तो बाहर है ना वो तो इंग्लैंड वापस चले गए लेकिन उनकी पॉलिसी की बात। वेरी नाइस वो हमारे क्लाइंट बने। फैंटास्टिक ग्रेट। और दूसरे कौन है टीम में जिनको अवार्ड मिला था? आपने बताया कि जो न्यूट्रिशनल ट्रेनर है और दूसरे ये सिद्धार्थ जी जो है उनको रिक्रूट किया। हाँ सरपंच है राइट। और क्या कौन है दूसरे? और सर मेरी टीम में एक अभी रिसेंटली बंदे ने ज्वाइन किया उसने भी बिजनेस ही स्टार्ट किया लेकिन ना उसने ये हरप्रीत जो बंदा हरप्रीत है ना हाँ जिसने 8.5 लाख का काम दिया मेरे को जी तो उसका ये नोन था बंदा तो उसने उसको पता चला कि यार हरप्रीत कितने पैसे आ रहे वो बंदा बिजनेसमैन है शॉपकीपर है टीम मास्टर ये ऐसा हार्डवेयर की उसकी शॉप है। अच्छा। तो उस बंदे ने उसकी इनकम देख के मेरे साथ शुरू कर लिए। वेरी नाइस। आप देखोगे थोड़े से हेल्थी है वो फोटो में जो ग्रुप फोटो उसमें आप देखोगे उसको करेक्ट करेक्ट वो बंदे ने मेरे साथ पैसे ज्वाइन किए। Fantastic. तो एक जी थैंक यू। तो एक बलजीत जी हैं
थोड़े मेरे ख्याल से आपने बोला था क्या, गोल्डन कलर की पैंट डाली हुए, वो थोड़े से पतले थे, राइट। तो वो सर ऑलरेडी, वो तो मेरे से पुरानी इंश्योरेंस में 2004 में उन्होंने इंश्योरेंस ज्वाइन किया था। तो अभी 24 साल हो गए मेरे ख्याल, 20 साल तो हो गए मेरे से पुराने इंश्योरेंस में। लेकिन मेरे को उन्होंने ना कहीं से सुना था मेरे बारे, कहते थे कि लड़का तो इंश्योरेंस अच्छा काम करता है। तो सर उसने मेरे को खुद बताया कि यार रात को ना मेरी, मैं सो रहा था और मेरे को ना पता नहीं तेरा ख्याल आया कि यार मैंने ना वे हरिंदर को जाके मिला और सुबह सर 10 बजे आके, सुबह 10 बजे ऑफिस आ गया और 10 बजे आके ऑफिस, तो मैं तो ऑफिस में था नहीं उस टाइम। तो उसने क्या किया, ऑपरेशन वाले से ना मेरा नंबर लिया। ओके। ऑपरेशन वाले से नंबर लेके तो मेरे को किया फोन कि हरिंदर जी, मेरा वैसे नोन था मेरा लेकिन नंबर नहीं था मेरे एक दूसरे के पास। तो उसने कहा कि मैं ना हरिंदर मैं मिलना चाहता हूँ, मैंने ना ये इंश्योरेंस के बारे में सुनना है आपसे कि मैंने ज्वाइन किया। अच्छा सर, मैं ना उस टाइम भी मेरे को बड़ी मतलब अच्छा महसूस हुआ कि यार लोग मतलब ढूंढ ढूंढ के मेरा नंबर ढूंढ के मेरे साथ ज्वाइन करने को रेडी हो रहे हैं। बट ऐसा बहुत काम होता है कि सामने से कोई ढूंढ के आया है ना। हाँ, और मेरे साथ हुआ सर ये, मेरे को मतलब ये मेरे मैं अंदर ही अपने आप को ये मैं प्राउड फील करता रहता हूँ, किसको बताऊं या ना बताऊं, लेकिन मैं अंदर अपने आप को ये ठीक लगता है मेरे को यार कि तेरे को ढूंढ के किसने ज्वाइन किया। Absolutely. तो फिर सर वो बंदे ने मेरे साथ ज्वाइन किया। तो उसने भी पहले भी सर 1.5 से 2 लाख का बिजनेस डाला था मेरे साथ। ऐसे मेरी थोड़ी सी अप्रोच रहती है तो बस आ जाते हैं बंदे टीम में। तो अभी टोटल टीम कितनी है आपकी? मेरे पास 56 लोग हैं। 56 जी। फैंटास्टिक। सो आप काफी टाइम से मेरा जो YouTube चैनल है उसके सब्सक्राइबर हो, सो उसमें से कोई मास रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज ऐसे कोई ट्राई किया आपने? सर मैं करता रहता हूँ लेकिन मैं स्पेसिफिक इसका जवाब मैं दूँ मेरे को Absolutely. That's completely fine. But जिस तरह से आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो ना, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, that is working. That is you know something which is more important, है ना? कि मैं हमेशा लोगों से ये कहता था हूँ कि बॉस आप जो भी बात कर रहे हो लोगों के साथ, it should be something like it should connect, है ना? आप जब तक ये समझो ना कि लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करना है, उसका नीड क्या है ये समझोगे नहीं, तब तक वो बंदा आपकी टीम में आएगा नहीं क्या? सो डिफाइनिंग योर रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग वॉट पीपल वॉन्ट फ्रॉम यू और आप उनकी लाइफ में चेंज कैसे ला सकते हो, ये जब तक कोई भी मैनेजर अपना रेगुलर स्ट्रैटेजी में नहीं डालता है ना, तब तक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिक्रूट। यप, ग्रेट। एनीथिंग एल्स बिफोर वी एंड, आई वॉन्ट टू आस्क यू कि अगर आपको किसी को ये सलाह देनी है कि रिक्रूटमेंट में अगर मान लो किसी को ऐसे है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, व्हाट इज द वन एडवाइस दैट यू विल गिव टू हिम? सर रिक्रूटमेंट की ना वैसे ये इंडस्ट्री ऐसी है कि रिक्रूटमेंट की दिक्कत रहेगी, राइट। लेकिन जिस बंदे ने रिक्रूटमेंट करनी सीख ली ना सर, वो बंदा इस इंडस्ट्री में फेल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, काम तो कोई भी है सीखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सीखा जा सकता, मैंने भी सीखा ही है, सीख के करेंगे तो लंबी रेस के घोड़े बन जाए, सीखा जा सकता है। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रवि जी आपके जो चैनल से मैंने सीखा ना, वो सबसे बड़ी मेरे को हेल्प हुई है, और मैंने कहीं से इतना नहीं सीखा और सबसे बड़ी मेरे को हेल्प हुई है यहाँ। I'm really glad कि आप regularly देखते हो और जो strategies है उनको कहीं ना कहीं implement करने का try करते हो, that is very important, क्योंकि मैं हमेशा मेरे viewers को ये कहता हूँ कि यार सिर्फ देखो मत, है ना? और मैं नहीं चाहता कि आप अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करोगे या कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन what I want you कि अगर कोई भी एक वीडियो देखा ना आपने तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना, अगर उतना किया ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। Yeah, because ये चैनल जो शुरू किया है मैंने, इट इज नॉट फॉर गेनिंग सब्सक्राइबर्स और एनीथिंग, राइट? मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ और जो भी स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ लोग उसको इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल
जी बिल्कुल सही है। ग्रेट हरिंदर जी, थैंक यू। बताना या प्लीज। मैं सर एक बात और बताना चाहता था कि मैं बता रहा था कि जैसे ना आपने स्टार्टिंग में एक बोला, आपने कुछ बताया अपने बारे में कि जो सर्व से कंपनी देती थी तो वो मैं नहीं उस पर चल पाता था, तो मैंने अपने तरीके से थोड़ा शुरू किया था। करेक्ट, आपने बताया ना। यस यस सर, मैं ना कंपनी में LIC इंश्योरेंस कंपनी में था उस टाइम, आज से 7 साल पहले। हाँ। तो उस कंपनी ने स्टार्ट किया, कोटक लाइफ की बात कहता हूँ, तो कोटक लाइफ ने स्टार्ट किया सर के 21 दिन की ना हमारी ट्रेनिंग लगा दी कि बिल्कुल चेंज करेंगे रिक्रूटमेंट का तरीका और बिजनेस का तरीका। तो सुबह हमें अंदर ऑफिस जब चले जाते थे तो शाम को ही निकलते, और तेज वालों की तो आपको पता ही आदत, वो एक जगह पे टिक के बैठनी है। सही है। तो हम तंग आ गए, वो 21 दिन में ना हम पूरे तंग आ गए, और 21 लेकिन 21 दिन के बाद उन्होंने जो बंदे बना दिए, मतलब इतनी इतनी पॉलिश कर दी और इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई हम लोगों में, मतलब मेरे में नहीं, अगर हम 10 लोग थे ना तो 9 बंदे इतने ट्रांसफॉर्मेशन आ गई उनमें कि वो बंदे मतलब कि उसके बाद एक टेस्ट हुआ, वो पास हो गए सारे। करेक्ट। और मैं फेल हो गया। ओह ओके। हाँ, उसमें मैं फेल हो गया। तो उन्होंने मेरे को कर दिया रिजेक्ट कि यार अच्छा। आपको ना ये ट्रेनिंग दोबारा लेनी पड़ेगी, आप नहीं तो आपकी जॉब चली जाएगी। ओके ओके। तो मैं बस टेंशन शुरू हो गई कि जॉब जाएगी तो फिर कहीं कुछ खराब हो जाता ना बंदे का। सही है। तो मैंने तो मैंने क्या किया सर, जैसे आपने बताया ना कि वो स्क्रिप्ट वगैरह, अब मैं ऑफिस में पढ़ता हूँ तो वो ठीक बोलते हैं कि ठीक वही बोलना है कि जो उसने लिखा है। सही है। तो मैंने ना वो मैंने क्या किया, वो फील्ड में मैंने जाना स्टार्ट कर दी। फील्ड में जाके मैं वो स्क्रिप्ट यूज करता था, लेकिन वो अगले बंदे को थोड़ी पता है क्लाइंट को कि ये गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। सही है। तो सर उस वो करने से ना मेरा इतना इतनी रिक्रूटमेंट आनी शुरू हो गई, 6-6 बंदे, 3-3 बंदे रोज ऑफिस में आने स्टार्ट हो गए। वेरी नाइस। वो स्क्रिप्ट यूज कर करके। वेरी नाइस। जैसे मैंने बताया कि नॉमिनेटर वगैरह यूज बना के ऐसे काम करते, ऑफिस आने बंदे स्टार्ट हो गए। यानी कोटक ने जो स्क्रिप्ट दिया था वही यूज कर रहे हो तो आप, या आपने आपका कुछ चेंज किया उसमें? नहीं, यूज वही कर रहा था, लेकिन वो शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो जाते थे, फील्ड में पता नहीं चलता उसमें। सही बात है, सही बात। हाँ, तो क्या हुआ कि मेरे बंदे बहुत रिक्रूट हो, मेरे बंदे रिक्रूट होने स्टार्ट हो गए, तो जो बंदे पास हुए थे उनको वो आज वो अच्छे लेवल पे हैं, वो लोग सब मेरे दोस्त right. जो बंदे पास हुए थे। करेक्ट। तो उन लोगों ने ना फिर मेरे को बोला कि यार हमें भी ना लेके चल मार्केट में, और हमें भी सिखा कि तू कैसा करता है और ये तेरे इतने बंदे क्यों आ रहे। सर वो बंदों ने मेरे साथ जाना स्टार्ट किया, उनको मैंने रिक्रूट कर करके बंदे दिए। वेरी गुड। मतलब ऐसा भी एक दौर रहा मेरी जिंदगी में कि मैं दो बार मतलब एक बार फेल हो गया खुद वो ट्रेनिंग में, लेकिन वो उसके बाद जो मैं पॉलिश इतना हो गया धक्के खा के जिसको बोलते हैं, करेक्ट, तो उसका रिजल्ट मेरे साथ अच्छा रहा बाद में। Absolutely. नहीं, ये जो चीज है ना मैं आपको बताऊं, ये बहुत जरूरी है। कई आपने देखा होगा बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे अमिताभ बच्चन क्या है ना लाइव, बहुत लोग एग्जांपल देते हैं उनका, या फिर आपको पता होगा मिस्टर बीन जो है ना, रोवन एटकिंसन नाम है उनका, तो उनके साथ भी यही हुआ कि जिस फील्ड में उनको काम करना था उस फील्ड में वो हर जगह से पहले रिजेक्ट हुए हैं। लाइक अमिताभ बच्चन को इफ यू डोंट नो, उनको कहीं से कुछ रेडियो स्टेशन से उनको यू नो ये बोल के रिजेक्ट किया था कि आपका आवाज ठीक नहीं है, है ना। और आज हमें अमिताभ बच्चन में सबसे ज्यादा उनकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद है, ऑब्वियसली। सो दिस हैज हैपन टू मेनी पीपल। और जब वो झटका लगता है, जब वो फेलियर पहले आता है ना, तो एक बोलता है जैसे रॉकेट का काम करता है वो, और उसके बाद फिर यू नो देर इज नो टर्निंग बिहाइंड। ऐसा पॉइंट हर ज्यादातर लोगों के साथ आया है जिनके साथ मैंने कनेक्ट किया है, वो आर परफॉर्मर्स इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री जिन्होंने MDRT अचीव किया है वगैरह वगैरह। पहले बहुत ज्यादा यू नो फेलियर्स देखे या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ उनके साथ कि वो एक झटका, एक ट्रिगर बस मिलना बाकी था उनको, है ना, और उसके बाद फिर उन्होंने शुरू किया परफॉर्म करना। दैट वॉज फैंटास्टिक। या ग्रेट ग्रेट।
Harinder ji, a fantastic story, because you know, this is which what I regularly want to do. I want to bring people who are performers into insurance industry, mujhe logon ke samne leke aana hai, aap jaise log, because iska ye jo podcast hai, iska akela intention hai, ye hai ki jab मैं बोल रहा हूँ एज अ एजेंट या लीडर या मैनेजर, जब मैं काम कर रहा हूँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और मैं जब मेरे ऑफिस में जाता हूँ ना, तो ज्यादातर मुझे सिर्फ नेगेटिविटी सुनाई देती है, ज्यादातर मुझे यू नो फेलियर सुनाई देते हैं, ज्यादातर मुझे लोग इंश्योरेंस छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं ये दिखाई दे रहा है, या यू नो इंश्योरेंस का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्लाइंट को चाहिए नहीं, हमें बेचना पड़ता है, वगैरह 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 बहुत सारी नेगेटिविटी है। लेकिन ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज जो है ना, बहुत कम लोगों को यू नो सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। या सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू इनवाइट यू यू नो टू दिस पॉडकास्ट, सो दैट आप जो आपका जो सक्सेस है, आपका आपकी यू नो जो सक्सेस के पीछे जो हार्डवर्क है, वो ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देता। आई वॉन्टेड यू टू शेयर दैट विद यू नो, एंड यू शेयर्ड बहुत अच्छे से आपने शेयर किया वो। सो थैंक यू सो मच हरिंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस यू नो पॉडकास्ट, एंड आई एम श्योर आप आगे भी ऐसे बहुत सारे यू नो अचीवमेंट्स करते रहोगे, और यू नो ऐसे अचीवमेंट्स के लिए और आगे जो अचीवमेंट्स होने वाले उनके लिए भी मुझे आपको यू नो पॉडकास्ट पे इनवाइट करने का जरूर मौका मिलेगा। जी थैंक यू सर, पहले तो आपका धन्यवाद कि तरह आपने मेरे को यहाँ पे आने का मौका दिया और मेरे को अपनी स्टोरी सुनाने में अच्छा लगा सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच अगेन टू यू, एंड यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन, और ऐसे ही अपनी टीम में, अपने ऑफिस में और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोगों को इंस्पायर करती रहिए। थैंक यू, सी यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय। सो आई एम श्योर ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, राइट? ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज की आज हमें जरूरत है, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना पॉजिटिविटी फैलाने वाले लोग बहुत कम है। सो अगर आपके पहचान में ऐसा कोई भी है जिन्होंने कुछ बहुत ही बढ़िया चीज अचीव की है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, एंड यू वांट कि उनकी भी स्टोरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोगों के सामने आए, तो आई वांट यू टू राइट अबाउट देम टू मी। और अगर आप चाहते हो कि आप खुद की स्टोरी शेयर करना चाहते हो, आपने कुछ खुद ने अचीव किया है, आई वुड ग्लैड टू कॉल यू ऑन माई पॉडकास्ट। आप सिर्फ मुझे ईमेल कीजिए ऑन दिस यू नो ईमेल एड्रेस जो है support@agencyrecruitment.com, और मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा इस पॉडकास्ट पे। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना सक्सेसफुल होने के लिए आज ऑनलाइन बहुत सी चीजें करनी पड़ती है, राइट? हमारा पूरा बिजनेस धीरे धीरे अगर हम ऑनलाइन लेके आ जाएंगे तो हमारा काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही इफेक्टिवली होगा। डू यू अग्री विद दैट? अगर हाँ, तो मैं ऐसी ही कुछ फ्री में टिप्स सिखाने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपना इंश्योरेंस बिजनेस ऑनलाइन लेके जा सकते हो और बड़े आराम से अपने ऑफिस से, अपने घर से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। इफ यू वॉन्ट टू लर्न दो स्ट्रेटेजीज, मैं एक फ्री वेबिनार कर रहा हूँ जिसका नाम है ऑटो लीड मास्टरी। उस वेबिनार को जरूर आप रजिस्टर कीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक बाय द वे मैंने ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पे क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। इस संडे को दोपहर को 3 बजे वो वेबिनार करने वाला हूं, इट इज कंप्लीटली फ्री और उसमें कुछ बेहतरीन स्ट्रेटजीज भी सिखाने वाला हूं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हां वो बेल आइकन दबाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।